चतुर्भुज की रचना में पांच प्रकार से देखा कि किसी त्रिभुज चतुर्भुज के पांच अंग लेकर अपन चतुर्भुज की रचना कर सकते हैं, है ना। प्रायः ज्यामिति कक्षा आठ में प्रायः ज्यामिति में चतुर्भुज की रचना, तो एक चतुर्भुज की अदिति रचना के लिए उसके पांच विशिष्ट अंग है ना की माप अपने को याद होना चाहिए। ये अपन ने देख चुके हैं कि विशिष्ट अंग कौन कौन से हैं, है ना। एक चतुर्भुज की रचना करना जब उसके चारों भुजाएं और विकर्ण दिए, विकर्ण की लंबाई हो, ये पांच अंग अपने को दिए तो अपन चतुर्भुज की रचना कर सकते हैं, पहला ये। दूसरा, एक चतुर्भुज की रचना करना जब दो विकर्ण और तीन भुजाएं दे रखी है ना, ऐसी स्थिति में अपन चतुर्भुज की रचना कर सकते हैं। तीसरा है, एक चतुर्भुज की रचना करना जब दो आसन्न भुजाएं और तीन कोण की माप दे रखी हो, है ना, ऐसी स्थिति में अपन चतुर्भुज की रचना कर सकते हैं। एक चतुर्भुज की अगला है चौथा नंबर, एक चतुर्भुज की रचना करना जब तीन भुजाएं और उनके बीच के दो कोण अपने को दिए हों, तो ऐसी स्थिति में अपन चतुर्भुज की रचना कर सकते हैं। अगला है जब अन्य विशिष्ट गुण ज्ञात हो, तो ये भी अपन ने देखा विशिष्ट गुण मतलब जो समांतर चतुर्भुज, आयत वर्ग और सम चतुर्भुज है, तो ऐसी स्थिति में भी अपनों को कुछ अंग दिया तो अपन उससे पांच अंग ज्ञात कर लेते हैं और चतुर्भुज की रचना कर सकते हैं। लेकिन ये पांच अंग अपनों को ज्ञात होने पर भी एक चतुर्भुज के अद्वितीय रचना करने के लिए उसके विशिष्ट पांच गुण ज्ञात होने के पश्चात भी उनको निम्नलिखित नियमों का पालन करना चाहिए, है ना। मतलब ऐसा नहीं कि पांच अंग दे दियो और अपन एक चतुर्भुज की रचना कर सकते हैं, उसमें भी क्या है वो निम्न दो नियमों का पालन करना चाहिए। त्रिभुज की दो भुजाओं की मापों का योग उसकी तीसरी भुजा की माप से बड़ा होता है। त्रिभुज की दो भुजाओं की मापों का योग उसकी तीसरी भुजा की माप से बड़ा होता है। इसका मतलब ये है, जैसे अपन एक चतुर्भुज है ना, ये क्या है चतुर्भुज है। अब इसमें ये भुजा और ये भुजा है ना, अपन ये ऐसा त्रिभुज बन सकता है या फिर ऐसा त्रिभुज बन गया है ना। तो इस त्रिभुज में किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, है ना। तो यदि अपनों को ये दो भुजा दी और ये विकर्ण क्या दे दिया, इन दोनों भुजाओं से बड़ा दे दिया, ये एक भुजा ये और एक भुजा ये और ये इसका विकर्ण, यदि इन दोनों भुजाओं का योग से ये विकर्ण क्या हो गया, बड़ा दे दिया, तो इसी स्थिति में हम त्रिभुज की रचना चतुर्भुज की रचना नहीं कर सकते, है ना। मतलब कि ये ऐसा त्रिभुज बन सकता है और ये ऐसा, है ना। तो हमें त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, ऐसा अपने को दिया है तो अपन चतुर्भुज की रचना कर सकते हैं। एक है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 360 होना चाहिए। यदि अपने को तीन कोण दिए है ना, दो भुजा और तीन कोण मान लो, और एक कोण दे दिया अपने को 105 का, बी कोण दे दिया 200 का और सी कोण दे दिया 100 का, है ना, तो ऐसी स्थिति में अपन चतुर्भुज की रचना कर सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 360, और यहाँ पे अपन जोड़ रहे हैं इन तीनों को, ये 5 0 1 2 3 4, इनका योग कितना आ रहा है 405, मतलब इसके तीन कोणों का योग कितना आ गया 360 से अधिक, तो ऐसी स्थिति में अपन चतुर्भुज की रचना नहीं कर सकते। यदि इसके दो कोण ही दिए अपने को, एक दे दिया, एक कोण ये दे रखा अपने को 200 का और कोण भी दे रखा है 180 का, तब भी अपन चतुर्भुज की रचना नहीं कर सकते। मतलब अपने को चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 360, है ना, कितने होना चाहिए 360, है ना, और ये दोनों स्थिति होगी और अपने को पांच विशिष्ट अंग प्राप्त है तो अपन एक चतुर्भुज की रचना कर सकते हैं। इस प्रकार अपने ये ज्यामिति प्रायः ज्यामिति में चतुर्भुज की रचना पूर्ण, इस प्रकार अपने को आप कोई सा भी चतुर्भुज दे रखा हो, है ना, दुनिया का कोई सा भी चतुर्भुज हो, तो उसकी अपन रचना इन नियमों की सहायता से, इन प्रयोग जो अपन ने करा उसकी सहायता से अपन कर सकते हैं, ठीक।